किसी ने कहा कि रोग मुक्ति हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, किडनी लीवर ठीक हो रहे हैं, थायराइड ठीक हो रहा है, चर्म रोग ठीक हो रहा है, लोगों की तकलीफें मिट रही हैं, पत्र इतने आते हैं, खूब लोगों के दुख मिट रहे हैं, उसका कारण क्या है? अर्थात अब आप पहले शंकर जी के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाते थे, लौट कर आ जाते, अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मंदिर में गए हैं थोड़ी सफाई कर दें, थोड़ा शंकर जी के शिवलिंग को साफ कर दें, थोड़ा मंदिर में जाला वाला लगाओ निकाल दें, थोड़ा मंदिर को सजा दें, थोड़ा मंदिर में श्रृंगार कर दें। जब तुम शंकर को सजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में तुमने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दी, तो मेरे महादेव ने भी तुम्हारे शरीर में जो बड़े से बड़ा रोग था उसको साफ करना प्रारंभ कर दिया। ये शंकर की कथा था। इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है, फालतू के प्रपंच में पढ़ना मती, इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है। जो दिया मेरी शिवपुराण ने दिया, मेरे बाबा ने दिया, हमने जो बाबा ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करा। अब प्रस्तुत उस तरह से करा कि लोग उसको करें, उसको धारण करें, उसको उठाएं। उसका और आज पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं, विदेश में भी अब ये नारा चल गया, सारी समस्या का हल एक लोटा। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व। कल कोई बता रहा था कि श्रीलंका में भी लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, नेपाल में लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, सब जगह पर भगवान शंकर के मंदिरों में जल चढ़ रहा है। अब विदेशों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, दक्षिण में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता, तो जल कहाँ चढ़ाए? तो लोगों ने अपने अपने घर में शंकर का शिवलिंग बना लिया, लोगों ने बेलपत्री का पौधा लगाया, उसकी मिट्टी को उठाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अर्थात उनके भीतर शिव तत्व प्राप्त हुआ, उनके भीतर शंकर की भक्ति प्राप्त हुआ। और मेरे बाबा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अब एक क्रम तुम्हें चालू करना है, शंकर के शिवलिंग को जितना छोटा शिवलिंग हमारे घर में होगा उतना हमारे पास में ये समझना कि कोई औषधि हमारे घर में है, कोई औषधि हमारे पास में है, कोई औषधि। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़े। इसको सिद्ध किया।